जय माता दी ट्रेवल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोरोना काल के दौरान की गई श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के बारे में जानेंगे। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पर उतरे वैसे ही हम सभी का कोरोना टेस्ट किया गया, जो कि एक रैपिड एंटीजन कोविड टेस्ट था जिसकी जाँच हमें अगले 10 से 15 मिनट के दौरान ही मिल गई। अगर आप कोरोना जाँच में निगेटिव आते हैं तो ही आपको श्री माता वैष्णो देवी यात्रा करने का अवसर दिया जाता है। कोविड टेस्ट करवाने के बाद हम सभी जम्मू रेलवे स्टेशन से प्राइवेट टैक्सी द्वारा कटरा के लिए निकल गए। अभी हम लोग बाणगंगा पर स्थित गुलशन कुमार लंगर हॉल में हैं। यहाँ पर हर समय लंगर चलता रहता है। अभी आप लोग बाणगंगा पर स्थित प्राचीन जल का स्रोत देख रहे हैं। यहाँ पर भक्त अपनी प्यास बुझाते हैं। जैसा कि कोरोना काल में भक्तों की ज़्यादा भीड़ ना होने के कारण अधिकतर दुकानें बंद हैं। अन्य शहरों में कोरोना कर्फ्यू के चलते ज़्यादा भक्त यहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस कारण यहां के लोकल दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है।
देखिए ये वही चरण पादुका मार्केट है जहां कभी भक्तों की भीड़ के कारण पैर रखने की जगह नहीं होती थी, परंतु कोरोना के कारण यहां पर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। Yeah, we
तो जैसा कि यात्रा पर अभी तक धूप खिली हुई थी, परंतु अभी हल्की धूप के साथ ओलावृष्टि एवं बारिश शुरू हो चुकी है। एकदम से ही मौसम ने बदलाव लिया है, तो अभी आप देख सकते हैं कि धूप के साथ बारिश भी हो रही है। मेरी मैया शेरा।
जाके हो तरसते।